हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आज दोपहर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, बन गया है पूरा खाना, बन गया है, कमरा हो गया, सब क्लीन हो गया है पूरा कमरा, झाड़ू पोछा सब हो गया है, और पोछा लगा दो और बिस्तर सब झाड़ दो, साफ़ कर दो तो खुद से बड़ा खुशी मिलती है देख के। बस थोड़ी देर का रहता है, थोड़ी देर रहता है साफ़, फिर बच्चे जहाँ शुरू करेंगे बैठना तो कूदना ये वो, फिर बिस्तर ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने देते अच्छे से। अभी आज बनाने वाले हैं, अभी दोपहर का खाना खा लें, फिर बनाएंगे गाजर का हलवा और शाम को गोभी का पराठा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, और गोभी के पराठा की पूरी फुल रेसिपी शेयर करने की कोशिश करेंगे। गाजर का हलवा का तो नहीं लगता क्योंकि अभी एक दो बार पहले भी बनाए हैं तो शेयर किए हैं। अभी जा रहे हैं, अभी देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर चला रहे हैं, बच्चे टाइपिंग कर रहे थे, देव बड़ा नखरा करते हैं जब ओम टाइपिंग करते तो चाहते हैं कि देव डिक्टेट करें, लेकिन बड़ा डांटो करो तब डिक्टेट करता है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वो कर लेता है, स्पीड अपना देखता है कि कितना तेज़ स्पीड हुआ है, तो वो नहीं बोलना चाहता है। और ऐसे देख देख के करो ना तो काफ़ी समय लग जाता है। अभी ये थोड़ा देर अपना कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो ये कर ले फिर चलते हैं खाना खाने। खाना बिल्कुल आज का सिंपल है, पालक की सब्जी है और दाल चावल, और आलू फ्राई बनाए हैं बच्चों के लिए, आलू फ्राई थोड़ा सा मटर डाल के, क्योंकि उनको पालक की सब्ज़ी तो खानी नहीं है, तो थोड़ा सा उनके लिए भी बना दिए। बहुत ज़्यादा नहीं किया आज, रोटी भी नहीं बनाए हैं दोपहर के लिए, रोटी भी नहीं बनाया, नहीं मन कर रहा था बनाने का। अभी चलते पहले खाना खा लेंगे, थोड़ी देर में अभी खाना खाएंगे, फिर गाजर का हलवा बनाएंगे, तब आपसे मिलते हैं। अभी कुकर धो दिए हैं, ये है, थोड़ा सा दूध डाल देंगे बस प्रेशर बनने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होने के बाद तो गाजर खुद ही पानी छोड़ने लगता है, लेकिन प्रेशर बनने के लिए। खाना भी सबको दे दिए हैं, या तब तक गाजर भी चढ़ा दें क्योंकि ये भी होता रहेगा, इसमें समय लगेगा बनाने को। तो वैसे बहुत लोग काट के भी बना लेते हैं गाजर को छोटा छोटा टुकड़ा, बट हम लोगों को नहीं अच्छा लगता, थोड़ा बहुत जैसे कहीं बड़ा वाला टुकड़ा मिलता है ना तो नहीं अच्छा लगता है। बर्तन भी दिखाएं आपको, पूरा बर्तन धुल लिए हैं, सारा बर्तन धुल गया, केवल अब जो खाना खाएँगे वही बर्तन रहेगा। चलते पहले खाना खा लें, तब तक इधर गाजर का भी काम हो जाएगा। कुकर में से निकाल के थोड़ा सा घी डाल के इसको पहले इसका पानी पूरा सोखा दे रहे हैं, पानी पूरा सूख जाएगा ना, फिर थोड़ा सा चीनी डाल, चीनी डालने के बाद फिर पानी छोड़ता है। ये है आधा किलो खोआ है, दो किलो दो ढाई किलो होगा, थोड़ा बहुत इसमें से सब्जी भी बनाए थे, आधा किलो खोआ है हो जाता है, आधा किलो खोआ में काफ़ी है। बस चीनी डालना है और कुछ नहीं डालते इसमें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो बच्चों को नहीं पसंद आता। बस अभी ये गोभी भी काट, मतलब ले आए हैं काटने के लिए, काट के धो के फिर इसको धो के रख दे, सूख जाएगा तब इसको भी खींचना होगा, या फिर देखते हैं चॉपर में बारीक कर काट लेंगे। इस ढक्कन से दो ढक्कन डाले हैं, हो जाएगा इतना में चीनी। थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, लगभग चीनी का भी पानी पूरा सूख गया, आधा से थोड़ा सा अधिक खोआ डाल देंगे और थोड़ा सा रख लेंगे ऊपर से। इसमें चाहे जितना भी डाल दो सब मिल जाता है, पता नहीं चलता, और ऊपर से थोड़ा सा सजा दो ना तो काफ़ी टेस्टी लगता भी है और दिखता भी है, जैसे बाजार वाली फीलिंग आती है। बस इतना बचा लिए हूँ, थोड़ा थोड़ा बच्चे भी खाए हैं। गाजर का हलवा बन गया, अभी निकाले पहले बच्चों को दे दें, अभी ये तो सो रहे हैं, उठेंगे तब इनके इनको देंगे, अपने लिए भी निकाल लें, बच्चों को दे दें, एक बार गरम गरम खा लें, फिर तो ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद
ठंडा खाएंगे क्योंकि हम लोगों को ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। हलवाले के तीनों माँ बेटा आए हैं, बच्चे लगे हैं अपना। मेरा हलवा ये है, आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। मिस्टर अभी सो रहे हैं, कहते हैं ना दोपहर में तुम चावल खिला देती हो तो नींद आती है, तो मतलब वो जब ऑफिस रहते हैं तो रोटी खाते हैं मतलब टिफ़िन में, तो उनको नींद नहीं आती। घर पे आते हैं तो चावल खिला देते हैं इसलिए नींद आती है। और चावल नहीं बनाओ ना तो कहेंगे कि एक दिन तो घर पे रहते हैं चावल बना दिया करो, बना दो तो कहेंगे अब नींद आ रही है चावल खा लिए। गुड इवनिंग, अभी शाम का समय हो रहा है, शाम का चाय नाश्ता सब कर लिए हैं, अभी गोभी के पराठे की तैयारी पूरी कर लिए हैं। ये पहले चटनी का धनिया पत्ता इसमें नीचे है, लहसुन धनिया पत्ता मिर्चा टमाटर नमक बस डालना है। और अभी बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको पूरी तैयारी। ये है गोभी के पराठा के लिए, गोभी है एक वही जो दिखाए थे आपको बड़ा वाला गोभी, तो दोपहर में ही धुल के उसको छोटे छोटे मतलब एक एक फूल करके अलग करके निकाल लिए थे, धुल लिए थे। तो अभी इसको चॉप किए हैं चॉपर से, कितना बारीक देखिए एक बराबर चॉप हुआ है इससे। और अभी देखने में ज़्यादा लग रहा है, अभी इसको जब भुनेंगे ना तो कम हो जाता है, और वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा भरना भी होता है। तो ये है उसकी पूरी तैयारी, लहसुन अदरक चार पांच मिर्चा लिए हैं, और क्योंकि गोभी थोड़ा मीठा टाइप का होता है ना तो उसमें तीखा थोड़ा चाहिए रहता है, और ये तो प्याज है। सबको अभी मिक्सी में बहुत बारीक तो नहीं पीसेंगे लेकिन हल्का दरदरा कर लेंगे। ये धनिया पत्ता है, बाकी ऊपर से अभी अजवाइन डालेंगे और थोड़ा बहुत जो भी मसाला डालेंगे वो सब है। अभी पहले इसको पीस लें, पहले गोभी को भून लें ताकि ये ठंडा होता रहेगा, टमाटर तब तक आटा लगा लेंगे। अभी गोभी को भूनने के लिए पहले तो ये मसाले में ये अदरक लहसुन प्याज मिर्चा का पेस्ट है, तो इसमें एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच से थोड़ा सा आधी की था गरम मसाला डाल लेंगे। फिर इसमें गोभी में ही डाले हैं अमचूर पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि टेस्ट भी थोड़ा खट्टा भी आना चाहिए, और अजवाइन है। ये सब गोभी में डाले हैं क्योंकि इसको ज़्यादा तेल में पकाना नहीं रहता है, तो इसलिए इसको गोभी में डाले हैं। अभी जीरा डाल के मसाला को भून लेंगे, पहले इसके मसाला को अच्छे से भून के, फिर जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो लगभग थोड़ा सा मसाला पक जाएगा। थोड़ा सा भी नमक डाले हैं केवल मसाला के लिए, क्योंकि गोभी के हिसाब से अभी नहीं डाले हैं क्योंकि गोभी भूनने के बाद पता नहीं कितना हो जाएगा, तो फिर अभी नमक डाल दो ना तो कम हो तो कोई बात नहीं लेकिन अधिक होने का डर बना रहता है, इसलिए अभी नहीं डाले। अभी लगभग मसाला भून गया है, फिर इसमें गोभी को डाल के अभी देखिए देखने में कितना लग रहा है, लेकिन जब भुन जाएगा तो बहुत मतलब ठीक कम हो गया था, लेकिन फिर भी उतना कम नहीं था क्योंकि बच भी गया था बहुत ज़्यादा था। और अभी इसमें नमक फिर इसके हिसाब से डाल देंगे, और देखिए थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें बनाते हैं ना तो मुझे कम होना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई चीज़ कम हो जाए, अधिक हो जाएगा तो रख देंगे। तो लगभग थोड़ा सा गोभी भून गया है, फिर इसमें धनिया पत्ता डाल के और फिर थोड़ी देर ढक दिए थे क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी गांठ रहेगा अच्छे से पक जाए। लगभग ये भून गया है, थोड़ी देर ढक दिए थे ताकि थोड़ा सा जो छोटा छोटा कहीं कहीं गोल गोल गांठ की तरह रह जाता है तो वो पक जाए। जब तक भून रहे थे ढके थे तब तक आटा भी लगा लिए हैं, काफ़ी गीला है मतलब इसका आटा बहुत नरम लगाना पड़ता है क्योंकि भरने के लिए ये भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है ना, तो भरने के लिए जितना गीला आटा रहेगा तो अच्छे से भरा जाएगा मतलब बेल पाएंगे, नहीं तो फटता है, तो इसलिए आटा भी लगा लिए। अभी गैस बंद कर देते हैं और फिर थोड़ी देर इसको भी ठंडा होने देते हैं, तब तक आटा भी ढक के रख देंगे। अभी पराठा बनाना शुरू करते हैं, एक बार आप लोग मेरे तरीके से बनाइएगा, इस तरह से गोभी भून के बनाइए तो बहुत अच्छा मतलब बन जाता है, और आटा काफ़ी गीला रखिए तो बिल्कुल फट नहीं रहा था, और आप बनाने के तरीका से भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से, इतना आटा गीला था ना कि बेलने में भी खूब अच्छे से बन रहा था। अभी इसको अच्छे से और पूरा प्रॉपर मेरा जितना बड़ा लोया रहता है लगभग उतना या उससे अधिक ही उसमें गोभी भरे हैं,
बहुत बहुत खाने में भी बहुत ज़्यादा गोभी आ रहा था, बहुत टेस्टी बना था। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दिया करिए, बहुत लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बना रहे हैं, फिर चल रहे, पहले इनको दे, खाली लगा दिए, हलवा भी दे दिए हैं, फिर बाद में खाना खाने के बाद खा लेंगे, बच्चों को भी दे। खूब बढ़िया देखिए, अच्छे से बन गया, भर गया, गीला आटा रहता है ना तो अच्छे से बन जाता है, पूरा बन गया ये। बस इसमें मेरा है और जो भी बचेगा सुबह नाश्ता हो जाएगा। मुझे ये सब चीज़ें नाश्ते में बहुत पसंद है और जिस दिन बनाओ उस दिन तो थोड़ा सा थक ही जाते हैं बनाते बनाते, तो फिर उस दिन उतने अच्छे से नहीं खा पाते हैं जितना दूसरे दिन अच्छा लगता है। और चाय भी चढ़ाए हैं, अभी ये बोल रहे हैं चाय नहीं बनाई क्या आज, उनके बना रहे हैं, इनकी भी आदत पड़ गई है, मिस करते हैं चाय अगर नहीं दो तो। ये इतना बच गया है आटा तो पूरा मतलब हो गया, लेकिन ये इतना बच गया गोभी का चटनी है। पूरा किचन भी साफ़ कर दिए, पूरा किचन हो गया, बर्तन भी इधर, बस ये लोग अभी खाए हैं वो है, और जो आटा लगाए थे वो वाला है, क्योंकि इसको थोड़ा सा वो रहता है ना, पानी से थोड़ी देर फुला दो तब साफ़ होता है। चकला बेलन तो साफ़ कर दिए, पूरा किचन का काम हो गया है, बस मेरा खाना है, चाय है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।